नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की जो लास्ट डेट है वो अब डिक्लेयर कर दी गई है। जी हाँ, लास्ट डेट प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आप लोग पूछते हैं कि इसकी लास्ट डेट कब है या कब तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि इसकी लास्ट डेट जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है और वो लास्ट डेट क्या है वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पर दिखाएंगे भी कि जो गवर्नमेंट अपनी ऑफिशियल साइट पर जो लास्ट डेट यहाँ पर डिक्लेयर करी है वो क्या है। तो दोस्तों, यहाँ देखने के लिए आपको करना क्या, अपने गूगल ब्राउजर पर PMAY आपको टाइप करना है और PMAY लिखने के बाद उसको आप सर्च कर लीजिए। और PMAY सर्च करेंगे तो आपको पहला ऑप्शन जो दिखेगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये एक ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, प्रधानमंत्री आवासीय योजना की जो वेबसाइट है। तो ये वेबसाइट के ऊपर आप चले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीन लाइनें आपको दिखेगी, तीन लाइनों के ऊपर यहाँ क्लिक करना है ऑरेंज पट्टी के ऊपर। तो इन तीन लाइनों के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, देखिए सब्सिडी कैलकुलेटर के जो ऑप्शन पे हम जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ पर यहाँ पर आपको इस वेबसाइट के ऊपर मिलेगा कि लास्ट डेट क्या है, और लास्ट डेट के बारे में ही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि इस योजना के अंदर लास्ट डेट अब डिक्लेयर कर दी गई है। तो आपको तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे आपको एक चार्ट दिखेगा और ये चार्ट पर देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि जो EWS और LIG जो दो कैटेगरीज हैं, EWS यानी कि इकोनॉमी जो वीकर क्लास हैं और LIG जो लोअर इनकम ग्रुप वाले हैं, उनके लिए जो लास्ट डेट तय कर दी गई है। यानी कि अगर अभी तक आपने इसके अंदर अप्लाई नहीं किया और अभी तक सिर्फ आप सोच रहे हैं या प्लान बना रहे हैं तो आपको जल्द से जल्द यहाँ पर अपना प्लान बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि देख सकते हैं आप कि ये 17 जून 2015 से स्टार्ट हुई थी और 31 मार्च 2022 तक इसकी लास्ट डेट अब डिक्लेयर कर दी गई है। अब आगे ये बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी ये बात पे डिपेंड करता है, लेकिन अभी की जो इसकी लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2022 इसकी डिक्लेयर कर दी गई है। वहीं बात करें जो MIG और आगे वाली जो कैटेगरीज हैं, तो उसके अंदर हम इसको पहले तीन लाइनों के ऊपर क्लिक करके इसको डेस्कटॉप वेबसाइट पर करते हैं ताकि पूरा चार्ट हमें यहाँ पर दिखे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए नीचे पूरा चार्ट आ गया। अब ये तो हमने आपको दिखाया था EWS और LIG कैटेगरी के अंदर 31 मार्च 2022 की जो डेट है वो फिक्स कर दी गई है। उसके आगे MIG 1 और MIG 2 के लिए भी पहले 31 मार्च 2020 यहाँ पर डेट तय करी हुई थी, लेकिन अभी जो है अभी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए इसको आगे एक्सटेंड किया गया है, लेकिन इसकी एक्सटेंड की डेट अभी नहीं आई और उम्मीद है कि इसकी भी लास्ट डेट जो है वो इसी के आसपास होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर लास्ट डेट जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है और अभी तक आपने प्लान नहीं बनाया तो जल्द से प्लान बनाइए, कहीं ऐसा ना हो कि मौका आपके हाथ से छूट जाए और आप सिर्फ सोचते ही रह जाएं। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिवार के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि वो इस योजना का लाभ ले सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान के ऊपर टच करके, और उसके बाद घंटे के निशान पर जरूर टच कीजिए ताकि आपको हमारी बनाई हुई नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है, आप इससे ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।